वेलकम टू आवर न्यू मिनी व्लॉग, क्योंकि भाई ये बड़ा व्लॉग नहीं है, ये है भाई छोटा सा, यानी छोटकू सा मिनी व्लॉग। तो अभी आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो आप पीछे साइड देखो, ये है अपना ब्रिज और नीचे साइड में रेलवे लाइन आपको दिख रहे होंगे, पटरी वटरी ये सारी चीज़। और मेरे अपोजिट साइड यानी अपने बिल्कुल पीछे साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है सिख लोगों का जो सैम्बल होता है। वैसे तो सब लोग जान ही रहे हो कि ये जो सैम्बल है वही चीज़ है, पूरा मेटल का बना हुआ है। अब जो प्रॉपर पटना से हो या फिर पटना सिटी के एरिया से, वो तो समझ रहे हो कि ये कहाँ पर लोकेशन है। ये बिल्कुल ऊंचा से बना हुआ भाई, ब्रिज के ब्रिज से भी ऊंचा है, यहाँ देख रहे हो, यानी अच्छा खासा ऊंचा है। आपको रियर कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। तो ये देखो, ये ब्रिज है और इसी के ऊपर साइड ऐसा बना हुआ है, पूरा जो है स्टील का यानी मेटल का पूरा बना हुआ, देखो तो चमक रहा है। तो ये जो एरिया है, ये है अपना पटना सिटी का एरिया, या फिर पहले जो है पटना साहिब भी कहा जाता था, तो पटना साहिब का एरिया है। और सामने आप जो देख रहे हो, ये है अपना पटना साहिब का स्टेशन। तो पटना साहिब जो असल में फेमस है, वो है भाई इन्हीं लोगों की वजह से। यहाँ देख रहे हो, इनके जो थे ना धर्म गुरु कह सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनका भाई बर्थ प्लेस है यहाँ। तो इस वजह से ये जो आपको स्टेशन है, यहाँ पर अच्छे खासे जो है ट्रेन के स्टॉपेज भी देखने को मिलते हैं। वैसे ये क्या है, तो ये है टोयोटा हाईराइडर का प्रोसेसर। आपको मिल जाएंगे पंजाबी सिख लोग, यहाँ आना जाना बहुत लोगों का है, क्योंकि यहाँ इनका गुरुद्वारा भी है, इस वजह से लोग आते हैं वहाँ पूजा अपना करने के लिए। और आपको बताते हैं कि जैसे पटना मतलब कि सारे लोगों के आने जाने की वजह से, इन सारी चीज़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म की जो सरकारी ज़मीन है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर बनाया गया था मॉल। ये आप देखो तो पार्किंग वाला प्लेस है, गाड़ी वाली जो है पार्किंग यानी स्लोपिंग वाला जो चीज़ है वो मिल जाता है। और इस जगह स्टेशन का जो बोर्ड है वो मिलता है, देखो पटना साहिब। और यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं वो यहीं पर अपना गुजर बसर करते हैं। देखो तो यहाँ से लेते हुए ये पूरा जो एरिया है वैसा ही है। हाँ, तो इसकी बात कर रहे थे, तो इसमें भाई बिग बाज़ार बना, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है बिग बाज़ार बने हुए, हाल ही बिग बाज़ार बना था। लेकिन भाई बिग बाज़ार बनते ही ना कुछ दिन चला, बिग बाज़ार जो है वो भाई बिक गया। अब बिग बाज़ार में था कि सामान वामान सस्ता मिल जाता था, वैसे तो ब्रांड फैक्ट्री भी बंद हो गया। जितने भी था ना, हम लोग जैसे सिंपल गरीब आदमी के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदने का अड्डा, वो सारा जगह जो है बंद भी पड़ गया। जितना भी जगह अभी खुला हुआ है, सारा बड़ा बड़ा मॉल खुला हुआ, बड़े बड़े ब्रांड खुले हुए हैं, तो हम लोगों का भाई मरण हो गया। अच्छा खासा ब्रांड फैक्ट्री में सस्ता कपड़ा मिल जाता था, बिग बाज़ार में मिल जाता था। तो अब आपको दिखाने का वक्त आ गया है, ये देखिए। तो इस तरीके का यानी फ्लोर वाइज जो है पार्किंग सिस्टम था, ऊपर साइड गाड़ी लगा करके आप वहाँ पर दो जो है गाड़ी आराम से पार्क कर पाओगे। इसी तरीके का सेम यहाँ पर भी मिल रहा था। अब इसके बंद हो जाने से होता है कि सारा जो है सिस्टम ख़राब हो जाता है, यहाँ पर अब कौन आएगा गाड़ी लेकर के। ये जो मेन था वही चीज़ तो बंद हो गया, बस अभी इसमें जो है ट्रेंड्स वही खुला पड़ा। आगे चलते हैं और आगे साथ को दिखाते हैं थोड़ा। देखो अभी खादिम्स का शोरूम है, ये पूरा जो है स्टेशन का ही ज़मीन है, यानी गवर्नमेंट ज़मीन है। फोर व्हीलर का 40 रुपया, टू व्हीलर का यहाँ पर देखो तो 20 रुपया जो है रेट लगा हुआ है। और बिग बाज़ार जो था वो आगे साइड था, लेकिन अब जो है सारे जो है भाई बड़े बड़े ब्रांड्स वाले हैं, रिलायंस हो गया, ये तो भाई सब चीज़ खरीदने पे पड़ा हुआ है, उसने ख़रीद लिया और मार्केट का जो है भट्टा बैठा दिया है। लेकिन खैर इसमें तो खुल ही जाएगा, जैसे कि खादिम्स है ही, ट्रेंड्स है ही। उसके आगे अगर आपको दिखाएं तो पता नहीं अभी उसमें किस चीज़ का खुल रहा है। पहले बिग बाज़ार था ना तो पास में ही लोग आते थे, देखो बोला ना कि रिलायंस डिजिटल, ऐसे ही करके कुछ दिख तो रहा है वहाँ पर उस बांस के पीछे साइड में। ये जो है देखो रिलायंस डिजिटल, यानी भाई अंबानी अडानी जो है पूरा चीज़ खरीदने में पड़ा हुआ है अपने इंडिया का। प्लेटफॉर्म जो है बगल में इसके, वो भी जल्द ही बिक जाएगा जैसा कि उम्मीद लग रहा है। देखो रिलायंस डिजिटल का यहाँ पर काम लगा हुआ है। तो बस अब जो खुलना है वो तो खुलेगा ही, खाली तो पड़ा रहेगा नहीं भाई, उतना बड़ा सा अच्छे जगह का लोकेशन है। अब देखो क्या भाई खुलता है।